हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिर्डा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मिसलेनियस जीके ऑफ सेकंड वीक ऑफ नवंबर 2020। नवंबर 2020 के 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक का मिसलेनियस करंट अफेयर्स आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते क्लास की तरफ, प्रोसीड द क्लास, लेट्स प्रोसीड द क्लास। तो सबसे पहले हम डेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 8 नवंबर को। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 8 नवंबर को, 8th ऑफ नवंबर को, क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विल्हेम रॉन्टन ने एक्स रेज की डिस्कवरी करी थी। किसने? विल्हेम रॉन्टन ने। तो 1895 में इस डिस्कवरी के कारण यहां पे 8th ऑफ नवंबर को हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, और इस बार ऑर्गेनाइज किए गए इस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी का थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम था रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये इस बार इसका थीम था, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, 8th ऑफ नवंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं 10th ऑफ नवंबर को। 10 नवंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, दैट इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11th ऑफ नवंबर। 11 नवंबर को हर साल भारतवर्ष में ऑर्गेनाइज किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम भारत में ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ नेशनल एजुकेशन डे, दैट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को। अब ये 12 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि 1947 में, यानी कि 12 नवंबर के दिन 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर गए थे, ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में गए थे 1947 में। तो उसी की मेमोरी में यहां पे हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज करते हैं 12 नवंबर को, क्योंकि 1947 में इसी दिन महात्मा गांधी जी गए थे ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निमोनिया डे एक डिसीज को लेकर यहां पर एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 नवंबर। 12 नवंबर को होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयुर्वेदा डे। देखिए, हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज आयुर्वेदा डे को। आई कैन ऑल्सो से नेशनल आयुर्वेदा डे, क्योंकि ये भारत में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब? 13 नवंबर को। 13 नवंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 13 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार इसका थीम क्या रहा? आयुर्वेदा फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। ये इस बार इसको थीम था इसका, नेशनल आयुर्वेदा डे का। अब इसी के साथ साथ दो इंस्टीट्यूशंस की बात हम यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंस्टीट्यूशन कहां पे है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास आयुर्वेदा को लेकर द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ITRA, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये कहां पे है? जामनगर में। ये कहां पे है? जामनगर में, दैट इज इन गुजरात, दैट इज इन गुजरात। एंड द नेक्स्ट वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIA, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज इन जयपुर राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयुष के हमारे जो मंत्री है उनका नाम है श्रीपद यसो नायक, श्रीपद
यस ओ नायक दैट इज मिनिस्टर ऑफ आयुष। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th ऑफ नवंबर को हम डायबिटीज को लेकर एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा, डायबिटीज नर्सेज मेक द डिफरेंस, डायबिटीज नर्सेज मेक द डिफरेंस, ये इस बार इसका थीम रहा 14th ऑफ नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब बात करते हैं कुछ बुक्स की, क्योंकि एग्जाम में बुक्स को लेकर भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बुक्स को लेकर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास किताब आती है कोविड 19 में गरीबों का मसीहा रहे, सोनू सूद साहब, द फेमस बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। तो सोनू सूद साहब की एक किताब आ रही है, दैट इज आई एम नो मसीहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूं। यह किताब सोनू सूद साहब ने लिखी है, प्लस एक को राइटर भी है, एक को ऑथर भी है, दैट इज इनका नाम है मीना अय्यर। तो इन दोनों ने, सोनू सूद साहब और मीना अय्यर ने मिलकर इनकी किताब लिखी है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट, योर बेस्ट डे इज टुडे, द फेमस बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर साहब एंड ऑल्सो द बीजेपी लीडर अनुपम खेर। तो इनकी एक किताब आ रही है योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर साहब की किताब, योर बेस्ट डे इज टुडे। नेक्स्ट, बॉस की आना गुलजार साहब के ऊपर लिखी गई किताब, द फेमस राइटर गुलजार साहब, इनकी जीवनी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है बॉस की आना। इस किताब को बेसिकली लिखा है राधा कृष्णा प्रकाशन ने इस किताब को लिखा है, एंड उनकी सहायता करी है यशवंत व्यास जी ने उनकी सहायता करी है, और इस किताब का टाइटल है बोस की आना, यशवंत व्यास एंड राधा कृष्णन प्रकाशन, इन दोनों की ये पेशकश है बोस की आना गुलजार साहब की लाइफ के ऊपर। तो किताब में एक ये भी चीज, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस पर्सन के ऊपर, किस पर्सन की जीवन कथा है, ये गुलजार साहब की जीवनी है, बोस की आना। बढ़ते हैं आगे, स्टेट की बात करते हैं। केरला की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज परिवर्तनम। अब परिवर्तनम का मतलब क्या होता है, परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, चेंज, इंग्लिश में हम बोलते हैं चेंज। तो ये जो चेंज स्कीम है ये क्या करेगी, केरला में, केरला इज अ कोस्टल स्टेट, ठीक है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है केरला, तो वहां पे समुद्र में लोग मछली पालन करते हैं, तो वो कम्युनिटी जो फिशिंग के अंदर जुड़ी हुई है, तो उनको ऊपर लेके जाने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए ये चेन स्कीम यहां पे लॉन्च की गई है, एंड स्कीम को हैंडल करेगा केरला स्टेट कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और सेंट्रल लेवल पे इसकी सहायता करेगा, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, क्लियर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, तो यहां पे हेल्प करेगा, एंड स्टेट विल इंप्लीमेंट द स्कीम, एंड ये स्टेट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का काम करेंगे फिशिंग लेवल पे, एंड एक फिक्स प्राइस कर दिया जाएगा केरला के अंदर की फिशरीज, जो फिशरीज मछली पालन होता है, इतना प्राइस पे, जैसे एग्रीकल्चर में होता है वैसे ही फिशरीज में भी कर दिया जाएगा कि इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिशरीज में भी किसानों को, जो फिशरीज वाले फार्मर्स होते हैं उनको ऊपर ग्रो करने के लिए, यहां पे फिशिंग कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए यहां पे इसको लॉन्च किया जा रहा है केरला की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020, थर्टींथ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020। देखिए 2020 में अर्बन मोबिलिटी को लेकर भारत में 13वीं यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसको इनोग्रेट किया हमारे अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने, ये हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने खुद इनोग्रेट किया इसको। शहरी व्यवस्थाएं, शहरों में लोगों को जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, और इस बार इसका थीम क्या रहा, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, ये इस बार इसका थीम रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट 15th ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट 2020। देखिए ईस्ट एशिया समिट ये भारत ने स्टार्ट करी थी, ये इंडिया ने स्टार्ट करी थी, 18 कंट्रीज इसको ऑर्गेनाइज करते हैं मिलके, ठीक है, एक इंडिया है और 10 एशियन कंट्रीज, एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो एशियन कंट्रीज के साथ 8 और कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज आई कैन से दीज आर द 10 एशियन कंट्रीज, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, एंड उसके अलावा 8 देश और, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 18 देश मिलके ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और 15वीं ईस्ट एशिया समिट ऑर्गेनाइज की गई है, इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया इस बार कोविड-19 के चलते हुए, बट ये किसकी चेयरमैनशिप में हुई, ये चेयरमैनशिप में हुई है प्रधानमंत्री ऑफ वियतनाम, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में। क्यों? क्योंकि ईस्ट एशिया समिट को चेयरमैन करता की चेयरमैनशिप जो होती है वो दैट इज अंडर कंट्रोल द एशियन कंट्रीज, तो एशियन की चेयरमैनशिप जिसके पास होगी वही इस ईस्ट एशिया समिट को चेयर करेगा, तो एशियन की चेयरमैनशिप अभी वियतनाम के पास है, वियतनाम के पास है, तो इसी के चलते हुए वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं दैट इज गुएन शुएन फोक, तो इन्होंने बेसिकली यहां पे इस समिट को चेयर किया, और भारत की तरफ से बेसिकली हेड ऑफ कंट्री जाता है, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एशियन में रिप्रेजेंट करते हैं, बट मोदी जी के बिहाफ पे इस ईस्ट एशिया समिट को रिप्रेजेंट करा भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। तो 15th ईस्ट एशिया समिट वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम की चेयरमैनशिप में, 18 देश हैं, ये कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, एशियन कंट्रीज, एशियन की बात करूं तो एशियन 1967 में बना था, एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करा सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो ये वुहान चाइना में ऑर्गेनाइज की गई, चाइना वुहान में बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो को, तो चाइना बेसिकली अगर मैं वुहान की बात करूं तो बेसिकली ये बनना चाहता है द सिटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंडस्ट्री, वुहान को हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ टेक्नोलॉजी में ऊपर लेके जाने के लिए इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है, तो पहली कहां गई, पहली भी वुहान में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, फर्स्ट भी वुहान में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, अब सेकंड ऑर्गेनाइज की गई है वुहान चाइना के अंदर, तो प्लेस ही मेन है कि कहां पे ऑर्गेनाइज की गई, दैट इज इन वुहान चाइना। नेक्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज का बनाया हुआ ग्रुप, एंड इन 5 कंट्रीज का ये जो ब्रिक्स ग्रुप है इनकी पहली फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, जिसको भारत की तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड करा, एंड द मीटिंग वॉज हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, रशिया की चेयरमैनशिप के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, एंड बेसिक चर्चा एनडीबी के ऊपर हुई यहां पे, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, और आई कैन ऑल्सो कॉल्ड ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इस बैंक के अंदर 5 जो ब्रिक्स मेंबर है सब 20-20% के शेयर होल्डर है, यानी कि 100% ईच मेंबर कंट्री इज द पार्टी शेयर, हर कंट्री का जो शेयर है वो 20-20% है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडलगिव हुरुन इंडिया फिलंथ्रपी लिस्ट 2020। देखिए हुरुन ग्लोबल, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे इसको लॉन्च करता है, दैट इज ये जो लिस्ट है हमारे पास, फिलंथ्रोपी का मतलब होता है चैरिटी, ठीक है, कि किस इंडियन लीडर ने, किस इंडियन बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा चैरिटी करी है, सबसे ज्यादा चैरिटी करी, दैट इज 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक किस लीडर ने, किस बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा चैरिटी करी है, किस इंडिविजुअल पर्सन ने सबसे ज्यादा चैरिटी करी, 5 करोड़ या उससे ज्यादा वाले पर्सन, जिसने मिनिमम 5 करोड़ दिया और उससे ज्यादा वाले पर्सन को यह काउंट करता है, एंड इसको प्रिपेयर करता है एडलगिव फाउंडेशन विद द हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और सेवंथ एडलगी हुरन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट यहां पे लॉन्च की गई है। तो इस बार इस लिस्ट को किस भारतीय इंडिविजुअल ने या फिर बिजनेसमैन ने टॉप करा? तो यह है अजीम प्रेम जी, यह है अजीम प्रेम जी, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ विप्रो, विप्रो लिमिटेड, सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो लिमिटेड के जो चेयरपर्सन है अजीम प्रेम जी, इन्होंने टॉप कराया लगभग 7900 करोड़ रुपीस का चैरिटी इन्होंने किया इस टेन्योर के अंदर। सेकंड नंबर पर रहते हैं शिव नदार एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड चेयरमैन, जिन्होंने लगभग 795 करोड़ रुपीस का चैरिटी कराया। एंड उसके बाद आते हैं मुकेश अंबानी थर्ड नंबर पे, मुकेश अंबानी आते हैं तीसरे स्थान पे 458 करोड़ के साथ। आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए टॉप थ्री। नेक्स्ट सादत रहमान ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के एक 17 साल का लड़का, बांग्लादेशी 17 साल का लड़का सादत रहमान, इसको मिला 2020 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज इसको मलाला यूसुफजई के द्वारा दिया गया 13 नवंबर को। मलाला यूसुफजई जो कि नोबेल पीस प्राइज को जीतने वाली आज तक की सबसे यंगेस्ट पर्सन रही है, मलाला यूसुफजई एक चाइल्ड राइट एक्टिव सॉरी एक एक्टिविस्ट है, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नहीं है ये, एक रेफ्यूजी मलाला यूसुफजई। तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इन्होंने अब इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया है 17 साल के इस लड़के, बांग्लादेशी लड़के सादत रहमान को। और ये कहां दिया गया? ये नीदरलैंड में इनको अवार्ड दिया गया, क्योंकि नीदरलैंड में इंटरनेशनल चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, तो इसी के चलते हुए नीदरलैंड में यह अवार्ड दिया गया। अब इनको यह अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मोबाइल ऐप बनाई थी, साइबर टीन्स। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, साइबर टीन्स। तो उसी के चलते हुए सादत रहमान जो कि बांग्लादेश के रहने वाले, इनको यह अवार्ड दिया गया, दैट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। हमारे यहां पे एक और डे भी अभी गया है, दैट इज भारत में चिल्ड्रन डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, भारत में चिल्ड्रन डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 14th of November को भारत में चिल्ड्रन डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 14th November को भारत में चिल्ड्रन डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, 14th of November। नेक्स्ट, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ये 2005 से चलता आ रहा है, ठीक है, 2005 से दिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड को मिला टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। दैट इज भारत के एक बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड। एंड इसके साथ साथ जावेद अख्तर साहब द फेमस राइटर अगेन, जावेद अख्तर साहब, इनको भी एक अवार्ड यहां पे चूज किया गया, दैट इज पोएट लॉरेट टाटा लिटरेचर लाइव दैट मुंबई लिट फेस्ट 2020 के अंदर इनको पोएट लॉरेट का अवार्ड इनको दिया गया, जावेद अख्तर साहब। नेक्स्ट, हमारे उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुप्पावरापु वेंकैया नायडू रिप्रेजेंट द सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स। और स्टेट कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट स्टेट रहा तमिलनाडु, एंड दैट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला इन द कैटेगरी ऑफ वाटर अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मलयालम ऑथर एस हरीश इनको मिला जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 इनके एक नॉवल मोस्ट टच के लिए इनको ये बेसिकली अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने एक नॉवल लिखा था मोस्ट टच, जो कि मलयालम भाषा में था, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, एंड ट्रांसलेट करने वाले हैं जयश्री कलाथिल। एंड हार्पर कॉलिन्स ने बेसिकली इसको पब्लिश किया है इंग्लिश में, इसको ट्रांसलेट किया गया, दैट इज मोस्ट टच। तो मलयालम राइटर एस हरीश
दैट इज जेसीबी प्राइस फॉर लिटरेचर, जेसीबी प्राइस फॉर लिटरेचर. नेक्स्ट, विद्या बालन जी की एक शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म नटखट, नटखट. एंड ये नटखट मूवी ने अभी काफी सारे अवार्ड जीते हैं, तो अब ये मूवी बन गई है 2021 ऑस्कर क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल, ऑस्कर के लिए क्वालिफाइड है ये मूवी. अब इसी मूवी ने अभी अभी लगभग $2500 का एक कैश प्राइज जीता है, ठीक है, $2500 का कैश प्राइज इसने जीता है. एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इसके डायरेक्टर हैं शान व्यास और प्रोड्यूसर रहे हैं रोनी स्क्रीवाला एंड विद्या बालन जी खुद. तो नटखट, नटखट भारत की ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म नटखट. नेक्स्ट, ज्ञानेंद्रो निंगोबैम, ज्ञानेंद्रो निंगोबैम ये बने हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट, ये बने हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट. हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. ये ज्ञानेंद्रो निंगोबैम जी ये मणिपुर के रहने वाले हैं, बेसिकली ही इज फ्रॉम मणिपुर एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर. बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें से ये पहले पर्सन है नॉर्थ ईस्ट के जो कि हॉकी इंडिया के, जो हॉकी इंडिया के यहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए. नेक्स्ट, जॉय बाइडन, जॉय बाइडन अभी हुआ यूएसए में प्रेसिडेंट का चुनाव. दो मेन पार्टी है यूएसए में, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी. तो अभी हमारे जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी एंड द सेकंड पार्टी इज डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि है जो बाइडन की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी. तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी चुनाव जीत लिया है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी चुनाव जीता है. बाइडन को मिले हैं 284 वोट्स, 284 सीट्स जीते हैं और ट्रंप को मिली है 214 सीट्स. तो बाइडन यहां पर चुनाव जीत गए हैं और बाइडन बनेंगे यूएस के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि इनकी जो एज है वो 77 इयर्स की है. यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे, ठीक है. एंड इसके अलावा कमला हैरिस, कमला हैरिस एक इंडियन अमेरिकन, एक इंडियन अमेरिकन, ये वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली है बाइडन की इस सरकार में, ये वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली है बाइडन की इस सरकार के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट ये रहेंगी वाइस प्रेसिडेंट बाइडन की सरकार के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट. हालांकि बाइडन भी ओबामा की सरकार के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहे थे. यूएस में प्रेसिडेंट का टेन्योर रहता है 4 साल का, यूएस में प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है और एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और प्रेसिडेंट का टेन्योर रहता है 4 साल. आगे बढ़ते हैं, विदिशा मैत्रा ये बनी है यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस की मेंबर. विदिशा मैत्रा, देखिए यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हिस्सा है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हिस्सा है जो कि फंड्स को लेके काम करता है, जो कि फंड्स को लेके काम करता है. तो उसके अंदर एक भारतीय है जिनका नाम है विदिशा मैत्रा, इनको मेंबर अपॉइंट किया गया. नेक्स्ट, आलिया जफर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला डायरेक्टर. देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर 4 डायरेक्टर होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर 4 डायरेक्टर होते हैं जिसमें से जिन 4 में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि अब हमेशा ही उसके अंदर एक फीमेल का होना मैंडेटरी है. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पहली महिला डायरेक्टर आलिया जफर. बाकी के 3 कौन कौन है, इनका नाम है जावेद खुरेशी, असीम वाजिद जावेद एंड अरिफ सईद, ये बाकी के 3 है और आलिया जफर पहली फीमेल. नेक्स्ट, अक्षय कुमार सिंह बने मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी. ये जो पेट्रोनेट एलएनजी कंपनी है इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन चार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ये ज्वाइंट वेंचर है और इसके नए एमडी एंड सीईओ बने अक्षय कुमार सिंह, अक्षय कुमार सिंह। नेक्स्ट, म्यांमार के स्टेट काउंसलर, स्टेट काउंसलर म्यांमार चीफ जिनका नाम था आंग सन सू कई, तो इन्होंने दोबारा से यहां पे चुनाव जीत लिया है, इन्होंने दोबारा से चुनाव जीत लिया है, तो अगली स्टेट काउंसलर भी यही रहने वाली है। ये जो स्टेट काउंसलर की पोस्ट है ये म्यांमार के अंदर, म्यांमार जिसको पहले बर्मा बोलते थे, म्यांमार के अंदर 2016 में ही पोस्ट जनरेट की गई थी। 2016 से पहले म्यांमार में स्टेट काउंसलर की पोस्ट नहीं होती थी और 2016 से ही ये आंग सन सू कोई ही यहां पे स्टेट काउंसलर है, क्लियर। और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है विन मिंट। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीत लिया है अपना पांचवा इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल। देखिए आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल पांचवी बार तो जीता, उसके बाद दो बार कंटिन्यूअसली भी जीत लिया, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जीता था और इस बार भी इन्होंने, दो बार का कंटिन्यूअस वाला भी टर्म इनके पास आता है। इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग का ही रिकॉर्ड था कि चेन्नई सुपर किंग ने दो बार कंटिन्यूअसली जीता हो, और अब मुंबई इंडियंस उसने भी जीत लिया है और मुंबई इंडियंस का ये पांचवा आईपीएल टाइटल है, पांचवी बार जीता है। किसको हराया फाइनल में हराया इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा था। अब उसके अलावा बाकी सारे अवार्ड्स की बात भी करेंगे। ऑरेंज कैप मिलती है सबसे ज्यादा जिसने रन बनाए हो, ये मिला केएल राहुल, पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब के। ऑरेंज कैप मिला किसको, केएल राहुल को, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए 670 रन। उसके बाद पर्पल कैप, ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है, ये मिली है केगिसो रबाडा को, जो कि दिल्ली कैपिटल के 30 विकेट इन्होंने लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज जिसको हम बोलते हैं जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल के। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन देवदत्त पडिक्कल आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। उसके बाद ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन केएल राहुल ऑफ किंग्स 11 पंजाब। एल्ट्रोस सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कैरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस। उसके बाद अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट सिक्सेस ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा सिक्सेस ईशान किशन ऑफ मुंबई इंडियंस। क्रेड पावर प्लेयर ऑफ द सीजन ट्रेंट बोल्ट ऑफ मुंबई इंडियंस एंड पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिलता है। तो दिल्ली कैपिटल को हरा के मुंबई इंडियंस ने जीता पांचवी बार आईपीएल। चाइना के चेन मैंग इन्होंने जीत लिया है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल। जीता है किसने, चाइना की चेन मैंग ने। नेक्स्ट, दानिल मेदवेदेव जो कि रशिया के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ये, तो इन्होंने जीत लिया है टेनिस का एक कप होता है पेरिस मास्टर्स, टेनिस का ये गेम है पेरिस मास्टर्स, तो इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वर्व को हरा के जीत लिया है डैनियल मैडम ने पेरिस मास्टर्स 2020। टेनिस का गेम है ये, टेनिस। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत ही फेमस फिल्म मेकर सुदर्शन रतन तो अब नहीं रहे, कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो गया। उसके बाद बहरीन के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, बहरीन के ही नहीं दुनिया भर के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। बहरीन के प्रधानमंत्री थे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। एक हमारे पास वेब सीरीज आई थी पताल लोक, तो पताल लोक में एक बहुत ही फेमस एक्टर थे आसिफ बासरा साहब। और भी काफी सारी जगह पे काम कर चुके हैं, तो आसिफ बासरा अब नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में एक गेस्ट हाउस के अंदर इनका जो बॉडी थी वो लटकती हुई पाई गई, तो अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो आसिफ बासरा अब नहीं रहे। सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सेंचामन चिम्बो लिम्बो अब नहीं रहे। ये सिक्किम के फोर्थ
चीफ मिनिस्टर थे, फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। संचमन लिम्बो अब नहीं रहे। उसके बाद द फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर रवि बेलागरी, रवि बेलागरे पासिस अवे, ये भी अब नहीं रहे, ये भी अब नहीं रहे। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020। क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।